फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और बात अब निकाय चुनाव की करते हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और निकाय चुनाव के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद, इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होगा, इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। 16 नवम्बर को 49 निकायों में होगा मतदान और मतदान की सभी तैयारियां पूरी, राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारियां पूरी और अब चुनाव प्रचार आज। और ऋतुराज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। तो ऋतुराज, आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा, सभी प्रत्याशी अपनी अंतिम जो ताकत है वो झोंक रहे, इसके बाद घर घर जाकर सिर्फ करेंगे प्रचार। जी बिल्कुल खुशबू, अब शाम 5 बजे बाद घर घर जाकर प्रचार ही संभव है। इसके साथ ही जो उम्मीदवारों और जो पार्टियों के लिए आचार संहिता जारी की गई है, उसमें मतदान केंद्र की जो 200 मीटर की परिधि में ही दल या कार्यालय जो अभ्यर्थी का है वो खुल सकेगा। और जो मतदान के लिए जो आवश्यक जरूरी शर्त है, उसमें मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य होता है और इसके साथ ही फिर वहां पर अपनी पहचान दिखानी होगी बूथ पर और 12 फोटो युक्त दस्तावेज से वह मतदान कर सकेगा। इसके साथ ही जो मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि, यानी आज शाम जो 5 बजे से ये प्रचार थम जाएगा, इसके बाद से राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के द्वारा कोई सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकेगी, जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा, सिनेमा, दूरदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो चुनाव प्रचार होता है वह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जो संगीत समारोह, नाच, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन कार्यक्रम करके चुनाव प्रचार किया जा सकता था, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। अब पूरी तरह से शाम 5 बजे बाद घर घर जाकर ही जनसंपर्क संभव है। एक और बात बता देना चाहूंगा कि जो पर्यवेक्षकों को जो निकाय क्षेत्र आवंटित कर दिए थे, उस निकाय क्षेत्र में पहुंचकर पर्यवेक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और वे पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया की। जो 16 नवंबर को 49 नगर निकायों में वोटिंग होगी वो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगी और 19 नवंबर को मतगणना होगी। इसी के साथ जो अध्यक्ष का चुनाव है नगर पालिका या नगरीय निकाय का, जो अध्यक्ष का चुनाव है वो 26 नवंबर को किया जाएगा और उपाध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को करके फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो यह पूरा कार्यक्रम है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कई बार वीसी के जरिए कलेक्टर से बातचीत करके फीडबैक लेकर सुनिश्चित किया गया है, खुद दौरे किए गए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी दौरे किए हैं जालौर और अन्य जिलों में। तो ये उन्होंने अपील की है कि बिना किसी डर और दबाव के प्रत्याशी अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके पक्ष में वोट करें और वोटिंग जरूर की जाए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी करें। जी बिल्कुल, तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मतदान की सभी तैयारियां पूरी हैं और दूसरी तरफ चलिए बात